दोस्तों ये पांच खिलाड़ी रिप्लेस कर सकते हैं T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा को। चलिए शुरू करते हैं, नंबर वन से शुरुआत करते हैं जो होने वाले हैं दोस्तों केएल राहुल। देखिए दोस्तों केएल राहुल के चांसेस कम है क्योंकि दोस्तों बतौर ओपनर उनका फॉर्म बेस्ट नहीं रहा है टीम इंडिया के लिए, लेकिन दोस्तों इनको ट्राई कर सकती है टीम इंडिया। और दोस्तों बतौर ओपनर जो है इनका बेस्ट फॉर्म रह सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से नंबर पांच में भी बेस्ट खेल सकते हैं, लेकिन दोस्तों बेस्ट रिप्लेसमेंट चाहिए रोहित शर्मा की तो ये बेस्ट हो सकते हैं। बस दोस्तों इनकी स्ट्राइक रेट की बात रहेगी, वरना तो दोस्तों ये बेस्ट बैट्समैन है ही। जैसे मैंने शुरुआत में देखा था इनको 2018 से, वहाँ ये बेस्ट दिखते थे, कम से कम बॉल्स में बेस्ट बैटिंग कर सकते थे, और दोस्तों अभी भी वैसे ही है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से गेम को अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो दोस्तों रिप्लेसमेंट हो सकते हैं रोहित शर्मा की। दोस्तों इसके बाद जो बैट्समैन आते हैं वो है शुभमन गिल। देखे दोस्तों इनको जो है बेस्ट ओपनर बनाया जा रहा है, ये बने नहीं है, इनको बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है समझने वाले को समझ में आ गया होगा, और दोस्तों मेरे हिसाब से जो बेस्ट ओपनर हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़े मुझे स्लो बैट्समैन दिखते हैं, इतनी ज्यादा तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ इनसे कि ये रोहित शर्मा की जगह लेंगे, लेकिन दोस्तों लिस्ट में मैंने रखा है। दोस्तों नेक्स्ट जो बैट्समैन है वो होने वाले हैं मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़। देखिए दोस्तों ये बैट्समैन ऐसा है ना, किसी की भी जगह ले सकता है, टीम इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन का बेस्ट बैट्समैन ये होने वाला है। दोस्तों इनको अभी तो मौका नहीं मिल रहा, लेकिन दोस्तों एक दिन दोस्तों सबके रिकॉर्ड से ब्रेक जरूर करेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोस्तों बेस्ट बैट्समैन बन सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ बतौर ओपनर इन्होंने जो है CSK के लिए बेस्ट बैटिंग की है, और कुछ सीरीज में जो है बतौर ओपनर के तौर पे खेले हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इनका बेस्ट फॉर्म यहाँ दिख सकता है। दोस्तों गेम के हिसाब से खेलते हैं, बेस्ट गेम दिखाते हैं, जैसे हालात होते हैं इसके हिसाब से खेलते हैं, रन्स बनाते हैं, इनसे बेस्ट रिप्लेसमेंट रोहित शर्मा की नहीं हो सकती। बाद जो बैट्समैन आते हैं दोस्तों वो है अभिषेक शर्मा। देखिए दोस्तों बेस्ट बैट्समैन है, और मेरे हिसाब से दोस्तों इनसे बेस्ट बैट्समैन आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो है बेस्ट बैटिंग कर सकते हैं, और जैसे रोहित शर्मा खेलते थे ऐसे ही ये खेलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है, इनसे बेस्ट बैटिंग मेरे हिसाब से जो है, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कोई नहीं कर सकता इंडिया में। इनकी बैटिंग दोस्तों IPL में देखी और साथ ही साथ जिम्बाब्वे सीरीज में देखी, बेस्ट बैट्समैन है। और दोस्तों इंडिया थोड़ा सा कम चांस दे रही है, लेकिन दोस्तों जब इनका समय आएगा तो ये दोस्तों सबको बता सकते हैं। तो दोस्तों इनको बेस्ट फॉर्म दिखाना है, इनकी जगह जो है रोहित शर्मा की जगह बन सकती है। दोस्तों नंबर एक पे जो खिलाड़ी आते हैं वो है यशस्वी जायसवाल। देखिए दोस्तों बेस्ट बैट्समैन है, और जब से मैंने इनको देखना शुरू किया है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट बैट्समैन है। रोहित शर्मा के अगर रिप्लेसमेंट कोई होंगे तो इनसे बेस्ट वो नहीं हो सकता है, और मेरे हिसाब से दोस्तों इनको चांस दीजिए, ये बेस्ट फॉर्म दिखा सकते हैं। दोस्तों इनके पास स्किल बहुत बेस्ट है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं पावर प्ले का सबसे बेस्ट यूज अगर कोई बैट्समैन इंडिया का कर सकता है तो वो यशस्वी जायसवाल है। इनको T20 गेम समझ में आ गया, और बहुत ज्यादा मैचेस इन्होंने खेल लिया, T20 वर्ल्ड कप में थे, तो मेरा हिसाब इनका बेस्ट फॉर्म दिख सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।